के अंदर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो 4 दिन के अंदर? नहीं सर, 4 दिन के अंदर ऐसा कोई चालू कर रहा थे कोई भी नहीं करा सकता अभी तक कोई इंस्टीट्यूट का ऐसा नाम सुना है? ऐसा कोई नहीं। दे रिव्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो सर? एकदम दिल से सर, उसके 4 क्लास से हमारा पैसा वसूल है। अच्छा, मतलब नॉलेज कोई नहीं दे सकता वसूल है आज तक? मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, काफ़ी सारे कंप्यूटर के कोर्स किए, लेकिन इतने लेवल की नॉलेज जो मोबाइल में मैंने सुनी है उतने मेरे कंप्यूटर के बारे में मैंने मुझे किसी ने नहीं दी। सेम टू सेम सिचुएशन में मोबाइल में कोई नहीं दे सकता, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बस आइए और सीखिए यहाँ पर, और इसके बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग का अगर बिजनेस शुरू करना है तो मोबाइल रिपेयरिंग सबसे पहले सीखना जरूरी है। और ऐसी जगह आपको और इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, उसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया से भी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया से भी लोग पढ़ने आते हैं, वो यहाँ पर आए हैं। सारे इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट ने मोबाइल रिपेयरिंग वाले देखे कि जिसको फोन देने के बाद 5-5, 10-10 दिन रखते हैं अपने पास, लेकिन रिपेयर नहीं कर पाते। तो मैंने खुद ने मेरे हाथ से एक चालू फोन का CPU निकाल कर उसको डाला तो पता चला कि हो पाता है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर हो पाए मेरे ख्याल से, दूसरी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर ये कर पाए। ऐसा नहीं है कि कोई आए और आपके मतलब जैसे आप पे कोई भरोसा करके आया तो उनका पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, कुछ पैसा वेस्ट, उसका पैसा सर लगता है कि और भी अगर 10,000 लग जाएगा तो देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके पहले बार किया। ईमानदारी से बताइएगा कि कितनी बार में आपका एक ही बार हुआ है? वन टाइम में ही हुआ। ऐसा पॉसिबल है क्या कि 4 दिन के अंदर कोई 4G फोन का जो CPU निकाल के लगा ले? इधर पॉसिबल है, इधर पॉसिबल है, इधर तेज बोलिए, एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। पूरा कल हम रात में जाकर के अपना डेड फोन को देख रहे थे, भाई ये पहले हम कैसे देखते थे और अब कैसे देखते हैं। अच्छा, ये कौन सा CPU है, कौन सा पावर IC, कौन सा EMMC IC, कौन सा नेटवर्क, कौन सा वाईफाई, कौन सा RF, सारा कुछ क्लियर, सारा चीज़ क्लियर हो गया। यानी आज आपका 4th दिन के क्लास में आपका 4G फोन का लाइफ, चालू फोन का, चालू फोन का भी, हालांकि 5 दिन में बोला गया था आपको, 5 दिन, 5 दिन में बताया जाएगा, लेकिन 4th दिन में ही मेरा पूरा क्लियर हो गया। 4th दिन के, और बताइए सर ने आपसे कुछ वादा किया था क्या? हाँ सर, कि 5 दिन में सारे बच्चे कंप्लीट कर देंगे, लेकिन सर आप 4 दिन में ही हो गया हमारा। सर ने आपको बोला था कि 4th दिन में आपसे, 5वें दिन में आपसे CPU लगवा के रेडी कर देंगे, लेकिन आज 4th दिन में ये सारे लोग लगा रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, आप कल इसी की पावर लगाई थी और आज उसका CPU लगाया। बिल्कुल सर, हाँ सर, पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा उनका? नहीं नहीं, पैसा वेस्ट पूरा है। क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, ये आप ही बस बोल रहे हैं? अरे सब बोलेंगे सर, आके देखो एक बार, बैठने से कुछ नहीं होगा। फोन का जो CPU आपने निकाल के लगाया, अभी कैसा फील हो रहा है आपको? सर अभी तो खुशी बहुत ज़्यादा है सर। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे सर? बिंदास आ सकते हैं। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं सर, पैसा तो वेस्ट नहीं जाने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है अभी आपको CPU पे काम करके? बहुत अच्छा सर, CPU निकाल के लगाए थे, उसमें कितने पॉइंट्स रहते हैं, एक भी मिस नहीं, परफेक्ट लग गया, फ़ोन चालू हो रहा है। पॉसिबल सिर्फ यहीं पे है सर, एशिया टेलीकॉम में ही बस पॉसिबल है। हाँ जी सर, क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? यहाँ बिंदास आइए, जितना आप लोग सोच के आएगा उससे ज़्यादा आप लोग यहाँ से लेके जाओगे। मिलेगा? मिलेगा सर। ऐसा नहीं वहाँ आए कोई और पैसा वेस्ट हो जाए उनका? तो हमारा वेस्ट नहीं हुआ तो सर बाकी का कैसे वेस्ट होगा? आपका वेस्ट नहीं हुआ तो बाकी का कैसे? अच्छा बताइए, इसके पहले आप कभी मोबाइल का काम करते थे? मोबाइल फील्ड में हम जस्ट घुसे थे, कोई हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, हम बस एक टेम्पर ग्लास लगाते थे, बस उतना ही था सर। 4 दिन के ही क्लास में आपने लाइव 4G फोन का जो CPU निकाल के लगाया है और फोन को चालू भी किया है आपने, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है सर। क्या मतलब जो सर यहाँ के ट्रिक्स जो बताए जाते हैं, क्या मतलब हार्ड है या फिर नहीं? नहीं सर, नहीं नहीं सर, बहुत इजी है। इजी है? हाँ सर, इजी समझ में आता है। हाँ सर, सबको आ रहा है। हाँ सर। अच्छा बताइए कि ये जो आपने लाइव 4G फोन का जो CPU निकाल के लगाया है, बस आप ही ने लगाया कि बाकी स्टूडेंट ने भी लगाया? सब ने लगाया सर, सब ने। तो बताइए, दिन 10 मिनट के अंदर हम पूरा रिबोल करके लगाए? 10 मिनट के अंदर ही आपने CPU निकाल के लगा लिया? जिंदगी में कभी CPU हम निकाले भी नहीं थे, लगाना तो दूर की बात है, कि फोल्ड भी वाला कभी हम नहीं निकाले थे, आज फोल्ड वाला मतलब ऑन सेट से निकाले, रिबोल किए और लगा दिए विदिन 10 मिनट। डर लगा के नहीं लगाई बताइए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, इतना कॉन्फिडेंट था, मतलब हाथ थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा था सर, मतलब जो ट्रिक बताया गया ना उससे लग ही नहीं रहा, मतलब हाथ को कैसे स्ट्रेट रखना वो भी बताया जा रहा था। पहले बार किया? ईमानदारी से बताइएगा कि कितनी बार में आपका एक ही बार हुआ है? वन टाइम में ही हुआ? वन टाइम में हुआ। ऐसा पॉसिबल है क्या कि 4 दिन के अंदर कोई 4G फोन का जो CPU निकाल के लगा ले? इधर पॉसिबल है, इधर पॉसिबल है, इधर एशिया टेलीकॉम, तेज बोलिए, एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। और बताइए आप क्या सर अभी
बहुत बढ़िया, बहुत सबसे बढ़िया ये लगा कि जो भी सर ने, तो मतलब चार दिन में पॉसिबल है कि मतलब कोई बंदा आईसी पे काम ना करता हो और चौथे दिन में लाइव 4G फोन का सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके लगा दें, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है सर, अभी एशियन टेलीकॉम में है सर, एशियन टेलीकॉम में पॉसिबल। उधर मैं 2-3 बार गया, अपने हाथ से मेरे को बताया हर आइडिया, मेरे को उसमें ज़्यादा सीखने को मिला है। अगर मैं पहली बार कर देता तो शायद इतना सीखने को नहीं मिलता जितना मेरे को दूसरी तीसरी बार सीखने को मिला। सही बात है कि क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते हैं सर वहाँ। एक शब्द में बताइए एशिया टेलीकॉम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एशिया टेलीकॉम सर यहाँ पे आए, आराम से सीखे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रियल लाइफ है वही दिखा रहा है सर, जो रिव्यू आप दे रहे हैं सच दे रहे हैं ना? सच दे रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आए सर और सीख गए, एक नंबर जाएगा, ऐसा नहीं कोई उसका पैसा वेस्ट चला जाएगा। नहीं नहीं, एक रुपया वेस्ट नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा सीखने मिलेगा सर। चलिए, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से सर। लखनऊ से हैं, तो बताइए आज आपकी कौन से दिन की क्लास है? आज चौथे दिन की क्लास। चौथे दिन की क्लास है, तो पहले दिन में आपने नॉर्मल पावर और EMMC रिवॉल्व किया था, दूसरे दिन में आपने 4G फोन का CPU रिवॉल्व किया था, और तीसरे दिन में आपने लाइव पावर 4G निकाल के आपने फोन ऑन किया था। यस सर, ऑन हो गया। ठीक है, और आज आपका चौथे दिन के क्लास है, तो आज आपकी किस चीज़ की क्लास थी बताइए? आज हमारी 4G CPU रिवॉल्विंग की थी। 4G CPU रिवॉल्विंग की क्लास, फोन चालू मतलब लाइव चालू फोन का 4G CPU रिवॉल्व करके आपको लगाना था। यस सर। तो लगाया आपने? यस सर, लगाया। और वो लाइव 4G एंचर का CPU निकाल के उसको फिर से रिवॉल्व करके डालना था। बस डालना ही था कि चालू भी करना था? नहीं, डाल के ऑन होने का, ऑन करना था। तो आपने ऑन किया? जी सर, हो गया। कहाँ है फोन जरा बताइए। कॉन्फिडेंस था पहले कि आप कभी 4G फोन का CPU भी लगा पाएंगे? नहीं सर। है नहीं था। आपने पावर निकाल के लगाया था? लगाया था। चालू हुआ था फोन? और आज आपका चौथे दिन के क्लास में ही आपसे, जैसे सर ने आपसे वादा किया था कि चौथे दिन में आपसे 4G फोन का CPU रिवॉल्व करवा के रखवा लूँगा, तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। कौन से वाले एक्सटेंशन में आपने उसको रिकॉल किया है? सेम था या यूनिवर्सल था? यूनिवर्सल। अगर आप यूनिवर्सल में बता सकते हैं आपको कि अगर आप किसी CPU को यूनिवर्सल में आप रिकॉल कर लेते हैं तो सेम एक्सटेंशन में तो आप 1 मिनट लगेगा और एक बार में आप रिकॉल कर लेंगे, हो जाएगा। तो ऐसा कि 4 दिन के अंदर कोई 4G फोन का CPU लगा लेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? नवंबर की बैच? यस सर। भाई हो गए नहीं? यस सर। आज काय की क्लास थी हमारी? CPU। कौन सा CPU? 4G। 4G जितने लोगों सबने किया? यस सर। तो किसने किसने किया? सबने सबने किया सर। कोई छूटा है क्या? नहीं सर। एक भी छूटा है क्या? नहीं सर। कैसी लगी ट्रिक यहाँ की? क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा कुछ शब्दों में बोलिए अपने, क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। पप्पू आप बोलिए, कैसी लगी आपको टेक्निक यहाँ की? टेक्निक सर, टीचर ने मेहनत करी कि नहीं करी आपके साथ? यस सर, मेहनत करने में पीछे कभी नहीं होते हैं। अच्छा। और जैसा जैसा ट्रिक देते हैं आज नहीं, वो आने वाला समय में बहुत अच्छे काम दे। कैसा लगा आपको चित्रंजन? बढ़िया लगा सर। क्या बोलेंगे आप? एक शब्द में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे आप? टीचर सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा के करते हैं। अर्शद आइए बताइए आप, कैसा लगा आपको ट्रिक? सर यहाँ की ट्रिक एकदम बेस्ट है सर, और यहाँ के टीचर का सपोर्ट, यानी हर किसी को एक एक को अलग अलग से समझाया, अभी ऐसा नहीं कि सबको साथ में तो समझाया है, पर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसके लिए वो खुद वहाँ पे पीछे होंगे, खड़े रहे होंगे और उनको बताया ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, हर एक के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने खाना तक यानी कम समय में किया सर, और दिन भर सर खड़े ही खड़े। कोई टीचर आगे कुर्सी पे आके बैठता नहीं है? नहीं सर, कोई भी नहीं सर। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ मेरे को कि अभी आपको कौन सा दिन है? सर आज का चौथा दिन है, 28 तारीख से आपकी क्लास है, ईमानदारी से आज 1 तारीख है ना, चौथा दिन है आपको। चौथे दिन में आप समझ पा रहे हो कि मतलब सारे लड़कों ने, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट है, सभी ने रिबोल काय से किया है? प्रॉपर एक्सटेंशन से किया था क्या? यूनिवर्सल से किया था? यूनिवर्सल से किया? कोई किसी को तकलीफ है क्या यूनिवर्सल में करने में? 4G CPU संभव है क्या? 3 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में संभव है क्या? बताओ मेरे को, स्किल के साथ कर रहे हो आप? यस सर। है ना, आपने क्या, आपने जो अभी 4G CPU लगाया, तो काय से लगाया आपने?
यूनिवर्सल से लगा लो। वन टाइम पे रिवॉल्व होता है? यस सर। वन टाइम पे होता है रिवॉल्व? यस सर। फिट करने में कोई, इसको लगाने में, माउंट करने में कोई दिक्कत आई आपको? नहीं सर। है ना, नहीं दिक्कत आई? अगर दिक्कत भी आई है तो 3 से 4 बार में किया है ना। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। दीप वर्मा सर। दीप वर्मा, दीप ये बताओ मेरे को कि आज ईमानदारी से आपने एक पीसीबी में कितनी बार सीपीयू लगाया? सर वैसे तो एक पीसीबी में केवल एक ही बार लगाया, लेकिन अलग अलग बोर्ड में लगाया। कितने बोर्ड में लगाया ईमानदारी से बताओ आज आपने? 6 से 7 बोर्डों में। 7 बोर्डों में लगाया। और रिवॉल्व कितना किया आपने 4G सीपीयू को आज? फर्स्ट टाइम ही करके आ जाता है। नहीं नहीं, रिवॉल्व कितनी बार किया आज आपने? 8 से 10 बार। 8 से 10 बार किया आपने, ठीक है। मेरे साथ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए, बताइए। अभी 4G भी कर दिया सर। ये 4G भी बन गया मेरा। नोट 4 MI का नोट 4 4G ये भी बनाया आपने? जी जी। आप जैसा देख सकते हैं, कैसा लग रहा भाई? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मतलब आप वेस्ट बंगाल से इतनी दूर आए, आपकी फीस निकल रही कि नहीं निकल रही? सर समझ लीजिए पूरे हो गए आज। हो गई फीस सबकी वसूल। अभी बहुत बहुत समय बाकी है भैया, बहुत लंबा सफर बाकी है। मूल निकल आया है, ब्याज बाकी है। मूल निकल आया, ब्याज बाकी है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आज आपने 4G किया कि नहीं किया? यस सर किया। कैसा लगा ट्रिक आपको? इसके पहले आप कर पा रहे थे क्या? बात करें हम रिबोलिंग की, बात करें हम पावर आईसी की, बात करें 4G सीपीयू की, तो उसके पहले कर पा रहे थे? 4 दिन पहले रिपेयरिंग किया है, वही मालूम नहीं था सर मुझे। पहली बार आया हूँ इस फील्ड में। पहली बार आया फील्ड में? पहली। अगर इस फील्ड में कोई पहली बार आया और चौथे दिन अगर उससे अगर 4G सीपीयू निकला के लगा रहे हो आप, तो क्या बोलेंगे आप इसे? इसमें 1 साल प्रैक्टिस करे यहाँ पर सीख कर जाने के बाद, तो उसकी सिटी का प्रॉपर मोबाइल रिपेयरिंग मास्टर कर लेगा और होगा, और जितना पैसा बनाना चाहिए उस फील्ड में यहाँ पर सीख कर बना सकता है। बना सकता है। क्या बोलेंगे अगर कोई गुजरात से आना चाहे तो? मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर थोड़ी तकलीफ आपको ये होगी कि टाइम देना होगा। टाइम देना होगा, टाइम वो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप ब्रेक करते हो, आप संभल नहीं पाते हो, तो यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी 12 घंटे की बैठने की है तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। विक्की, थोड़ा आगे आइए। विक्की कैसा रहा आपका ये चौथा दिन है आज सफर? कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया सर। बताइए क्या होप लेके आए थे, वो आपकी पूरी हो रही कि नहीं हो रही? सर बिल्कुल हो रही है, पहले दिन ही पैसा वसूल हो गया। पहले दिन ही पैसा वसूल हो गया। क्या नॉलेज है यहाँ के टीचर्स का? सर बहुत बढ़िया नॉलेज। तो एशिया टेलीकॉम में पर्टिकुलर एक टीचर है कि पूरी कम्युनिटी है? सर पूरी कम्युनिटी, सब बहुत सपोर्टिव है, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और हम लोग ज़्यादा मेहनत सर लोग करते हैं। ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका सरफराज। यस सरफराज, बताइए कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। भगवान महतो सर। भगवान महतो कहाँ से भाई? बिहार से सर। बिहार से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, पहले तो ये सब रिबोलिंग वोलिंग नहीं सकते थे सर, अभी कर रहे हैं सर। तो रिबोलिंग के साथ आप क्या क्या करती है? पावर भी? पावर भी कर दिए, सीपीयू भी कर दिए। सीपीयू भी कर दिए जी सर। अभी अभी इससे बड़ा, इससे बड़ा कोई रोल है क्या? नहीं सर। इससे बड़ा कोई चीज़ है क्या? नहीं है सर। आप ब्लैक स्टेट पे भी काम करेंगे आने वाले टाइम में? जी कर सकते हैं, जो ट्रिक सर लिखा है तो प्रोटोकॉल है, आपको करने के करना ही पड़ेगा सर। वो तो हाँ करके जाएंगे, डबल डेकर सीपीयू भी करके जाएंगे, वो भी करके जाएंगे सर। ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है हैदराबाद से, नाम इनका रवि, थोड़ा आगे आइए। रवि कैसा फील कर रहे हो भाई? अच्छा लग रहा सर। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। आज क्या किया आपने? आज किया सीपीयू काम। और जो सीपीयू लाइव आपने डन किया? हाँ सर। कैसा लग रहा है? मस्त, मजा आ रहा। मजा आ रहा काम कर रहे हैं। अभी कोई सा भी सीपीयू दे दो तो रिवॉल्व करके लगा के चालू कर सकते हो? हाँ कर देंगे सर। प्रॉपर ट्रिक है आपके पास? परफेक्ट ट्रिक है सर। इसके ऊपर कुछ है क्या बताओ मेरे को? नहीं है सर। एंडलेस है? एंडलेस एकदम। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है पंजाब से, बेसिकली कहाँ पंजाब से? हरियाणा से। हरियाणा से सर। हरियाणा से। थोड़ा नाम बताइए। सतनाम सिंह। सतनाम सिंह। सतनाम सिंह, इसके पहले जब यहाँ पे आते आए थे आप, तो क्या करते थे आप? सर मेरा मोबाइल की फील्ड में ही काम था, मगर नया है अभी। फील्ड में काम था? मोबाइल की फील्ड में क्या काम करते थे आप? मैं सिर्फ अभी टच और ग्लास ही चेंज करता था, रिपेयरिंग बस जैक माइक लगा लिया भाई। जैक माइक लगा? यस सर। आज क्या लगा लिया आपने? आज मैंने सीपीयू लगाया सर, हुआ मेरे को फर्स्ट टाइम जो चौथी बार में हुआ, मगर दूसरी बार मैंने किसी स्टूडेंट का चलता हुआ जियो फोन लिया, वो पहली बार करके दिया डन। जो फिर सेकंड टाइम में क्या किया आपने? खुद का जो आपका सेट था वो बनाया आपने?
नहीं सर, मेरा जो सेट था वो नहीं, मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट अपना बनाने के बाद मैंने दूसरा किसी का लिया कि कहीं देखता हूँ दूसरा बना के देखता हूँ कि अपना ही बार बार बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा। बना सर पहली बार में, सर ट्रिक बहुत अच्छी, मेरे को तो रिबोलिंग आती ही नहीं थी, अभी अच्छी तरह पहली बार कर सकता हूँ। कोई भी सीपीयू पावर आईसी ईएमएमसी देंगे पहली बार में रिबोल कर दूँगा और लगा भी देंगे कॉन्फिडेंस के साथ। नारायण सर। नारायण कहाँ से भाई? गुजरात से। गुजरात से नारायण, कैसा फील हो रहा है भाई? बेस्ट फीलिंग है सर। तो आज क्या किया आपने? आज सीपीयू रिबोलिंग किया, 4G सीपीयू रिबोल किया। रिबोल करने के बाद क्या किया? फिर से लगा भी दिया। उसे लगाया भी? हाँ। और चालू हुआ सेट आपका? बिल्कुल 100। जनता देख सकती है, गुजरात की जनता वीडियो देख सकती है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे मिलेगा वो? फेसबुक पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। आपने लाइव रिव्यू दिया उसका? यस सर। है ना, तो दोस्तों हम ये हमारी जो क्लास होती है, जो क्लास का जो भी टास्क होता है, रात के 8 बजे हम इसका रिव्यू लेते हैं, है ना, रात के 8 बजे रिव्यू लेते हैं। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका इम्तियाज। जी सर। इम्तियाज क्या बोलेंगे आप? सर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी हम स्टार्ट होंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, इतना तारीफ है इंस्टीट्यूट के लिए। फिर भी एक नॉर्मल सा चीज़ बोलते हैं, लाइफ चेंजर जगह है। अगर यहाँ आते हैं 28 दिन के बाद आपका लाइफ एकदम अलग सा चेंज हो जाएगा। जैसे होता है ना कि आईएएस का एग्ज़ाम देके अगर जो रिजल्ट आने के बाद जो आईएएस बन जाता है, उससे पहले और उसके बाद का लाइफ चेंज हो जाता है, बस वैसे ही यहाँ पर 28 दिन के बाद आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। यहाँ का हर चीज़, मतलब आप घर से निकले, ट्रेन में बैठे सर फ़ोन करेंगे, ट्रेन में बैठ गए, उतरने के बाद सर फ़ोन करेंगे, ट्रेन में उतर गए, हम एक लड़के को भेज रहे हैं, मतलब पूरा सिस्टमेटिक, खाने पीने से लेके रहने से तो लेके सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका कमल। बेसिकली ये बिहार से हैं। कमल, हाउ मच एक्सपीरियंस इन एशिया टेलीकॉम, कैसा रहा अनुभव भाई आपका? बहुत अच्छा सर। क्या किया आज आपने? अरे 4G सीपीयू रिवॉल्विंग करके मोबाइल में लाया के मोबाइल कॉल किए हैं, जो कि हम कभी नहीं करते थे। कभी नहीं करते थे, इसके पहले नहीं करते थे। अभी आपको कोई सा भी मैं 4G सीपीयू दूंगा तो आप रिवॉल्व करके लगा सकते हैं उसको? जी सर, बिल्कुल बिंदास तरीके से लगा सकते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, ये बेसिकली गोवा के हैं, नाम है इनका अब्दुल्ला। आइए इधर अब्दुल्ला, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अभी 4 दिन का आपका एक्सपीरियंस। तो सर अभी जितना हम लोग काम कर रहे थे उतना नहीं हो रहा था, 4 दिन में उतना पता चला है, नॉलेज बहुत है। और यहाँ के टीचर्स जो है ना, स्टूडेंट बहुत तरह के रहते हैं, एक टॉपर भी रहता है और एक जिसको थोड़ा टाइम भी लगता है। मैं तारीफ बोलूँगा अपने MD सर की, पूरा दिन खड़े रहे, पूरा पीछे लगे रहे, 10 मिनट में खाना खा के चले आए, क्योंकि उनको स्टूडेंट को पता नहीं था। टीचर फोकस कर रहे पूरा स्टूडेंट पे और स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा है, सबका कंप्लीट हुआ है, सबने कंप्लीट किया है और सबने अपने हाथों से किया है। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि क्या चीज़ अच्छी लगी आपको एशिया टेलीकॉम की? मतलब क्या है कि पढ़ाई को करूँ मैं तो यहाँ एशिया टेलीकॉम के सारे, ये ओवरऑल किसी का एक का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सारे टीचरों का इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सारे टीचरों का अहम भूमिका है, वो सेक्शन वाइज है। जब आपका सेक्शन आएगा, है ना, MMC का सेक्शन आएगा तो आपको लीड करेंगे मिलन सर, जब आपका सेक्शन आएगा सॉफ्टवेयर का तो आपको लीड करेंगे दुर्गेश सर, है ना, और हार्डवेयर में टीम है, देवरतन अग्रवाल सर है आपके हार्डवेयर में। अच्छा, अग्रवाल सर जो देवरतन अग्रवाल है, यहाँ के आनर भी है और टीचर भी है, तो आप ऐसी जगह पढ़ने जाना चाहोगे कि जहाँ का जो आनर है वो एक खुद टीचर है, और टीचर तो, है इतने पोलाइट है सबके साथ में कि पूरा बताते हैं, ऐसा समझता है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, उनके ओनर जो है इतने बच्चों के साथ में पोलाइट है, सबको बताते हैं, समझाते हैं कि समझो, एक एक को पूछना है पूछते हैं, और इतना टाइम देते हैं अपने को डे में, और कंटिन्यूसली ब्रेक उनका जो है रहता है 10 से 20 मिनट का, लेकिन वो भी ऐसा करते हैं बहुत फास्ट सर। देवरत्न अग्रवाल सर के सामने के लिए जितना बोलूँ ना मैं उतना कम है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एशिया का नंबर 1 किस लिए हम लोग यहाँ आने के बाद पता चला ना। थोड़ा सा जब आप रिव्यू देखते थे तो आपको लगता था अरे यार, मतलब ये स्टूडेंट को क्या, मतलब ये क्या वो लॉलीपॉप वगैरह देते होंगे या फिर ऐसा कुछ कर देते होंगे, ये साला मतलब इतना क्यों बोलते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम श्रीमान छेत्री है, मैं मणिपुर से आया हूँ। हाँ श्रीमान, कैसा लग रहा भाई, जो सोच के आए थे वो काम हो रहा है कि नहीं आपका? जो सोच के आए थे उससे बड़ा हो गया है, उससे भी ज़्यादा हो गया। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे हर बच्चे एक नहीं होता है, हर इसलिए टीचर जो है वो फोकस करते हैं कि कौन वीक है, और उसको मतलब टाइम दे के, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के, उसको सुपरविजन करके, उससे मतलब उसी जो अच्छे बच्चे उनका लेवल में लाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। जैसे मैं भी वीक ही चल रहा था, लेकिन टीचर ने मतलब मेरे को इतना गाइड किया, तो अभी मैं भी मतलब नंबर 1 बन ही गया।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एशिया टेलीकॉम का हर स्टूडेंट मोटिवेट है। मेरे साथ है एक और स्टूडेंट, नाम है इनका विजय। विजय बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा सर, मैं बिल्कुल फ्रेशनर था, मेरा कुछ नहीं आता था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब मैं ईएमसी चेंज कर लेता हूँ, सीपीयू रिबोल कर लेता हूँ सर। अच्छा। और आईसी भी चेंज कर लेता हूँ सर आज की। अच्छा, जो हैंड स्किल वाले काम है लगभग सारे आपके हो गए हैं पूरे? यस सर। ठीक है, अभी अभी जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, घर जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके काम में उतना निखार आते जाएगा। पर बाकी आपको एक प्रॉपर वे मालूम हो गया है काम करने का, कि मेरे को किस तरीके से काम करना है। ठीक है, विश यू गुड लक। बहुत सारी चीजें हैं आपकी, है ना, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। कल आपकी देवरतन सर के साथ क्लास होगी आपकी, है ना। विश यू गुड लक ऑल स्टूडेंट। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से सर। लखनऊ से हैं, तो बताइए आज आपकी कौन से दिन की क्लास है? आज चौथे दिन की क्लास है। चौथे दिन की क्लास है, तो पहले दिन में आपने नॉर्मल पावर और ईएमएमसी रिवॉल्व किया था, दूसरे दिन में आपने 4G फोन का सीपीयू रिजो रिवॉल्व किया था, और तीसरे दिन में आपने लाइव पावर 4G निकाल के आपने फ़ोन ऑन किया था। यस सर, ऑन। ठीक है, और आज आपका चौथे दिन की क्लास है, तो आज आपकी किस चीज़ की क्लास थी बताइए? आज हमारी 4G सीपीयू रिवॉल्विंग की थी। 4G सीपीयू रिवॉल्विंग की क्लास, फोन चालू मतलब लाइव चालू फोन का 4G सीपीयू रिवॉल्व करके आपको लगाना था। यस सर। तो लगाया आपने? यस सर लगाया। और फोन चालू किया आपने? जी चालू। कितने बार में आपने ऑन किया फोन को? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब आपने नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आपने जो सीपीयू इसमें लगाया है एक बार में मतलब ऑन हुआ है या फिर दो बार में हुआ है? एक ही बार में ऑन हुआ। वन टाइम में मतलब कि आप? सर यहाँ की ट्रिक ही तो समझने वाली है, ट्रिक समझने वाली है और बहुत अच्छी ट्रिक है, और एक ही बार में करने वाली ट्रिक है। चौथे दिन में पॉसिबल है क्या कि मतलब कोई किसी 4G फोन का सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके और लगा दे और फोन को चालू भी कर ले? ऐसा वैसे बाहर तो नहीं संभव है, लेकिन यहाँ पर तो है। यहाँ पर ऐसी ट्रिक बताई जाती है कि एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। ऐसा क्या लगा कि मतलब जो सर ने आपसे वादा किया था कि आपके चौथे दिन में 4G फोन का सीपीयू लाइव चालू फोन का सीपीयू निकलवा के और फोन को चालू करवा लेंगे हम आपके हाथ से ही? सर वादा उनकी मेहनत ही है। मतलब अपने जो जुबान पे हैं वो जुबान पे खड़े हैं कि नहीं? सर पूरा पूरा। बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप रिबॉलिंग करना है सर छोड़ के साइड में चले गए फोन चला रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा ध्यान देते हैं और काम भी हम लोग कर क्या कर रहे हैं ये भी उनको पता है, और साथ में आगे हम लोगों से नहीं होता तो भी हम लोग से काम करवाते भी हैं और काम होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ टीचर करते हों और फोन चालू करके पकड़ा देते हों हाथ में आपके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग सही कर, हम लोगों को ही करना है जो कर, बस ये सर हम लोगों से करवाते हैं और पूरा काम करवाते हैं। इसके पहले कभी आप आईसी पे काम किए थे? सर थोड़ा बहुत काम करते थे लेकिन इतना नहीं, लेकिन अब यहाँ पर आके पूरा प्रोफेशनल होता है वो चीज़, हमें यहाँ प्रोफेशनल बन रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको आज 4G फोन को चालू करके, आपको कैसा सर? लगा सर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, चेहरे की स्माइल ये बता सकती है आपको कि मतलब कैसा लगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं, तो बताइए आप चार दिन की क्लास हो गई आपकी, आप चौथे दिन की जो आज क्लास है किस चीज़ की थी? सर वो लाइव 4G हैंडसेट का सीपीयू निकाल के उसको फिर से रिबॉल करके डालना था। बस डालना ही था कि चालू भी करना था? नहीं डाल के ऑन होने का था, ऑन करना था। तो आपने ऑन किया? जी सर हो गया। कहाँ है फोन जरा बताइए, क्या सीपीयू निकाल के लगा रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? सर खुशी तो है सर। हैं? फर्स्ट टाइम हुआ है। इसके पहले कभी आप आईसी पे काम किए थे? सर किए पर जो यानी पावर आईसी वगैरह पे किए हैं। तो अभी आप सीपीयू पे भी काम कर रहे हैं, पावर पे भी काम कर रहे हैं, तो अभी आपको लाइव चालू फोन का पावर आईसी और सीपीयू निकाल के चालू करने में कैसा लगा? सर खुशी बहुत है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ क्या ऑन फोन का, ये तो सिर्फ अपन डेड फोन के ही क्या हैंडसेट पे किया, और उसके अंदर भी होते नहीं थे बहुत मतलब सारे। इसके पहले आप डेड पे काम किए थे? हाँ। फोन चालू हुआ नहीं हुआ? हाँ। कुछ पता नहीं होता था, और लेकिन सर अभी इसको डेड करके ऑन करना और वो भी सीपीयू पे सर। तो आपने इसको पहले डेड किया फिर आपने सीपीयू निकाल के लगाया? कितनी बार में आपने इसको किया आपने? मैंने फर्स्ट टाइम में हो गया, फर्स्ट टाइम में हो गया सर। फर्स्ट टाइम में ही कर लिया जी सर। कैसा लगा, ट्रिक्स के बारे में बात करें सर? ट्रिक्स तो जो सर देते हैं ना सर, यानी जिया की जो टीचर्स लोग सब बताते हैं, नंबर वाइज के बताते हैं ऐसा 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 किए ना फॉलो, तो वो हो जाता है सर। अगर जो टीचर्स बताते हैं जो ट्रिक्स है ये, अगर वो उसकी जगह पे अगर स्टूडेंट अपना लॉजिक लगाते हैं तो क्या पॉसिबल है क्या करने के लिए? सर वो अगर सर वो खुद के दिल से किए होते तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं था सर, या कि उनको जो ट्रिक्स चाहिए उसी लिए आए हैं। तो यहाँ अब चार दिन की क्लास में ही आपने 4G फोन का जो सीपीयू आपने निकाल के लगाया, अभी कैसा फील हो रहा है आपको? सर अभी तो खुशी बहुत ज़्यादा है सर। अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? सर बिंदास आ सकते हैं। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं सर, पैसा तो वेस्ट नहीं जाने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वही सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाया है, फोन डेड करके फिर से उसको ऑन किया है। बस इसी फोन का तो सीपीयू नहीं लगा पाएंगे, किसी और फोन का लगा सकते हैं? सबका सबका, किसी का भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, मतलब जो ट्रिक्स आपको बताई गई है क्या बोलना चाहेंगे ट्रिक्स के बारे में? ट्रिक्स बहुत
मतलब कि कभी किया नहीं तो वो भी कर सकता है। ट्रिक्स इजी है, आपको आसान तरीके से बता देंगे, और फिर अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी पीछे से आके सपोर्ट देते हैं। लेकिन जो सर ने बताया एक बार मैं रेडी किया। चलिए, और बात करें कि शादी आपको ट्रिक्स जो समझ में आ गई उसी हिसाब से जो आप काम किया, कैसा लग रहा है अभी आपको सीपीयू पे काम करके? बहुत अच्छा सर, सीपीयू निकाल के लगाए थे, उसमें कितने पॉइंट्स रहते हैं, एक भी मिस नहीं, परफेक्ट लग गया, फोन चालू हो रहा है। आपने पावर आईसी निकाल के लगाया था? पावर आईसी निकाल के लगाया था। फोन चालू हुआ था आपसे? चालू हुआ था, चालू फोन का निकाले थे और लगाए थे, और आज सीपीयू निकाल के लगाए। सीपीयू में कितनी 400 प्लस लेग्स रहते हैं उसके, सबको पूरा रिवॉल्व कर। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई एशिया टेलीकॉम आपके वहाँ से ज्वाइन कर रहा है या फिर ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं से भी ज्वाइन कर रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल सर, बिंदास आने के लिए बोलूँगा, यहाँ पे बहुत है, आप सोच के उतना हो कि उससे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। अपन बाहर से सोचते हैं सीपीयू ईएमएमसी पावर ऐसे इतना ही है, लेकिन फ़ोन में उतना ही नहीं होता है, बहुत कुछ रहता है। अभी चार दिन की जो क्लास हुई, आप चार दिन की क्लास को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? चार दिन की क्लास में ही लग रहा है सर के पास अभी दो दिन और रहेगा बोल के, लेकिन अभी तो पूरे 28 दिन हो चुके हैं। ये जो आपका कल आपका आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी जो सर देव सर के साथ थी आपकी, तो अभी आपका जो बोर्ड को देखने का जो नज़रिया है पूरा चेंज हो गया है, बदल गया। अभी इसको देखता हूँ ना तो ग्रीन है, वो सब तो भूल ही जाए, अब मैं सिर्फ आईसी देखते हैं और बोलता हूँ अच्छा। बस अभी इस टाइम क्या सीपीयू देखते हैं और समझ जाते होंगे कि कौन सी आईसी नेटवर्क आईसी है, कौन सी आईसी आईडीओ आईसी है, वो पूरा दिमाग में आ रहा है। कल पढ़ाए थे, कल सर कैसा बोल रहे थे, मेन पावर कौन सा है, सेकेंड पावर कौन सा है, ए टू जेड टोटल। तो क्या बोलना चाहेंगे अगर आपके पास कोई आया तो? बिल्कुल सर, आ सर, पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा उनका? नहीं नहीं, पैसा वेस्ट क्या है, पूरा है। क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट, ये आपकी बात बोल रहे हैं? अरे सब बोलेंगे सर, आके देखो एक बार, बैठने से कुछ नहीं होगा उधर। मणिपुर से तो आज अपनी जो लाइव 4G फोन में आपने सीपीयू निकाल के लगाया, ऐसा कॉन्फिडेंस था पहले कि आप कभी 4G फोन का सीपीयू भी लगा पाएंगे? नहीं सर, हैं नहीं था। आपने पावर निकाल के लगाया था? लगाया, चालू हुआ था फोन। और आज आपका चौथे दिन के क्लास में ही आपसे, जैसे सर ने आपसे वादा किया था कि चौथे दिन में आपसे 4G फोन का सीपीयू रिवॉल्व करवा के रखवा लूँगा, तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। पॉसिबल है चार दिन के अंदर अगर कोई है ऐसा कि मतलब चार दिन के अंदर कोई सीपीयू लगवा ले आपसे 4G फोन का, पॉसिबल है? कहाँ पॉसिबल है? यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए ठीक है, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? बिल्कुल आए, आना चाहते हैं ना, आ सकता है, अच्छा ज्ञान चाहिए तो। ऐसा तो नहीं है कि उसका पैसा वेस्ट हो जाए? नहीं सर, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं मणिपुर से सर। मणिपुर से हैं, तो बताइए आज आपके कौन से दिन की क्लास है? आज हमारी लाइव 4G हैंडसेट मतलब जियो फोन से सीपीयू निकाल के फिर उसको दोबारा रिवॉल्व करके हमने लगा के ऑन कर दिया। फोन चालू हुआ? हो गया। पॉसिबल सिर्फ यहीं पे है सर, एशिया टेलीकॉम में ही बस पॉसिबल है। हाँ जी सर। क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? यहाँ बिंदास आइए, जितना आप लोग सोच के आएगा उससे ज़्यादा आप लोग यहाँ से लेके जाओगे। मिलेगा? मिलेगा सर। ऐसा नहीं वहाँ आए कोई और पैसा वेस्ट हो जाए उनका? तो हमारा वेस्ट नहीं हुआ तो सर बाकी का कैसे वेस्ट होगा? आपका वेस्ट नहीं हुआ तो बाकी का कैसे? अच्छा बताइए, इसके पहले आप कभी मोबाइल का काम करते थे? मोबाइल फील्ड में हम जस्ट घुसे थे, कोई हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, हम बस एक टेम्परलेस लगाते थे, बस उतना ही था सर। नाम का ही रिपेयरिंग था, नॉलेज मतलब जीरो ही था। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने के बाद में अब पैसा की बारिश होने वाली है अभी। कल जो आपका देव सर के साथ तो आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास जो क्लास थी आपकी, कैसा रहा? अभी आपका नजरिया कैसा है? किसी बोर्ड को आपको दे दिया जाए तो क्या उसमें बता सकते हैं कि ये इसमें ये नेटवर्क आईसी लगी होगी, ये पावर आईसी लगी होगी, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? बहुत क्लियर हो गई सर। इसके पहले क्या आपको पता था कि आन लीजिए आप काफ़ी दिनों से अगर मोबाइल के फील्ड में, तो आपको पता था कि मतलब बोर्ड देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए? सर हमने तो मीटर तक यूज़ नहीं किया था सर। अच्छा, मीटर तक मतलब छुआ नहीं था। कल आपने डायग्राम बनाया? बना लिया सर। कैसा लगा? बढ़िया लगा। चलिए ठीक है, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? बिंदास आइए, इस टेलीकॉम में कोई पैसा वेस्ट नहीं होगा, और उससे मतलब जितना आप लोग सोचेंगे उससे ज़्यादा आप लोग यहाँ से सीख के जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चार दिन के ही क्लास में आपने लाइव 4G फोन का जो सीपीयू निकाल के लगाया है और फोन को चालू भी किया है आपने, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है सर। क्या मतलब जो सर यहाँ के ट्रिक्स जो बताए जाते हैं, क्या मतलब हार्ड है या फिर नहीं? नहीं सर, नहीं नहीं सर, बहुत इजी है। इजी है? हाँ सर, इजी। समझ में आता है? हाँ सर, सबको आ रहा है? हाँ सर। अच्छा बताइए कि ये जो आपने लाइव 4G फोन का जो सीपीयू निकाल के लगाया है, बस आप ही ने लगाया कि बाकी स्टूडेंट ने भी लगाया? सबने लगाया सर, सबने लगाया। सबका फोन चालू हुआ या नहीं हुआ? चालू हुआ सर। आप कितने टाइम में? वन टाइम में लगाया? वन टाइम में सर, वन टाइम में डन कर दिया आपने। इसके पहले आपने पावर भी लगाया था? हाँ पावर लगाया था कल। पावर आईसी चालू फोन का कब लगाया था आपने? कल लगाया था। तो बहुत कुछ मिला सर, और भी 24 दिन बाकी है, बहुत कुछ मिलने वाला है। पैसा वसूल हो जाएगा? पैसा वसूल जरूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बस नहीं, 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 नहीं बोल रहा है, देखिए हम लोग लाइव चल रहे हैं। नहीं नहीं सर, पैसा जरूर वसूल हो जाएगा।
चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? थ्योरी कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर्किट को देखने का नजरिया ही बदल दिया सर। अच्छा, इस टाइम तो आपकी आईसी मतलब आपको बोर्ड, आपको कोई बोर्ड दे दिया जाए, आप तो आप बता देंगे कि इसमें नेटवर्क आईसी कौन सी लगी होगी, है ना? तो बताइए कैसा रहा, मतलब देव सर के साथ जो आपका क्लास चलता है इनमें कैसा लगता है? ऐसा नहीं है कि सर एक घंटे दो घंटे फिर थक जाते हो, फिर एक घंटे की चार पाँच घंटे लगातार पढ़ाते हैं, कैसा उनके एनर्जी में, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए कि कैसा रहता है उनके साथ का क्लास जो होता है? बहुत अच्छा है सर, समझ में आती है सारी चीज़? हाँ। और शाम को जो सर थ्योरी पढ़ाते हैं वो शाम को प्रैक्टिकल करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता? हाँ हाँ, प्रैक्टिकल कराया जाता है। चलिए, अगर आपके पास कोई आना चाहते क्या बोलना चाहते? जरूर आ सकता है सर। आ सकता है, पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। काशीपुर से? कहाँ से? काशीपुर उत्तराखंड से। काशीपुर उत्तराखंड से हैं आप, बहुत दूर आए हैं। बताइए आज आपके कौन से दिन की क्लास है? चौथे दिन की क्लास है। कितने बजे लगी आपकी क्लास सर? आज तो हमारी वैसे तो डेली भी सर 8:30 लगती है, लेकिन सर आज 10:30 लगी। क्यों, आज आपको मतलब आज आपको 4G CPU का क्लास था चौथे दिन के, और बताइए सर ने आपसे कुछ वादा किया था क्या? हाँ सर, कि 5 दिन में सारे बच्चे कंप्लीट कर देंगे, लेकिन सर आप 4 दिन में ही हो गया हमारा। सर ने आपको बोला था कि चौथे दिन में आपसे पाँचवें दिन में आपसे CPU लगवा के रेडी कर देंगे, लेकिन आज चौथे दिन में ये सारे लोग लगा रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, आप कल इसी की पावर लगाई थी और आज उसका CPU लगाया। चौथे दिन में यानी 5 दिन बोल के सर ने चौथे दिन में ही क्लियर करवा लिया आपसे, ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई चौथे दिन में ही पावर और CPU 4G फोन का निकलवा के लगवा सकता है क्या? सर कल ही बताया था सर, कहीं और का तो पता नहीं सर, यहाँ का कंफर्म है सर। है कि नहीं दम, एशिया टेलीकॉम में दम है कि नहीं? सर पूरे 30 दिन है सर, अभी तो सर इसी को हम 10-10 वाले निकालेंगे सर, कंफर्म है। और भी बोर्ड आएंगे, अभी तो हमारे बहुत सारे फ़ोन है सर, उन्हें भी रेडी। अच्छा बताइए, फ़ोन से बात याद आया कि मतलब आप अपने साथ फॉल्टी फ़ोन लेके आए हैं? सर हर पार्ट में लेके आए हैं सर। जिसको कौन बनाएगा सर? बनाएंगे तो सर हम ही बताएंगे सर, गाइड हम ही करेंगे, और सर बाद में जाके शॉप पर हम ही बनाएंगे फिर कस्टमर लोगों। अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आए, जरूर आए सर। कैसा रहता है आपका देव सर के साथ जो थ्योरी का क्लास रहता है सर? वो तो बेस्ट रहता है सर, वो उसकी जो हम सर मतलब थ्योरी वहाँ, प्रैक्टिकल यहाँ सर एकदम बढ़िया। ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पे पढ़ा हो सर वही आपको पढ़ा देते हो? ना ना सर, ये तो सर यहाँ का तो तरीका ही लगे, ये चीज़ तो सर यूट्यूब पे मिलेगी नहीं? नहीं मिलेगी। अगर उसको सीखना हो तो, किसी को सीखना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको? सर आए सर यहाँ सेटलमेंट ज्वाइन करें। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? ना ना सर, वो तो। क्या बोलना चाहेंगे नए स्टूडेंट जो हमारे आ रहे हैं उनके लिए, क्या बोलना चाहेंगे? सर आइए, और क्या, अब तो इस महीने का तो है नहीं, अगले महीने है वो जनवरी से नया साल नया बेस, सबसे बढ़िया। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के टीचर्स जो हैं आगे एक गाइडेंस जो करते हैं आपको, क्या मतलब गाइडेंस में कोई इशू है अगर आप कुछ पूछते हो तो क्या सर डांट देते हैं, बोल देते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सर, समझाते हैं ना प्यार से। हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। इम्तियाज अली, कहाँ से हैं आप? हम उड़ीसा भुवनेश्वर से। उड़ीसा भुवनेश्वर से हैं आप, तो बताइए आज आपका कौन सा दिन की क्लास है सर? आज आपकी कौन सी दिन की क्लास है बताइए? आज सर था हम लोगों का जियो फोन जो है इसका ऑन सेट से हम लोगों को आज CPU निकाल के लगाना था। 3G है कि 4G है? 4G फोन है सर। 4G है जी। तो आज आपके चौथे दिन की क्लास, जैसा कि सर ने आपसे वादा किया था 5वें दिन सबसे CPU लगवा लेंगे, तो आज कौन सा दिन है? चौथे दिन में ही सर लगवा लिए। लगवा लिए? बिल्कुल सर। अपने बातों पर कायम हुए? बिल्कुल सर, एकदम। जो कहते हैं वो करते हैं जी सर, जो बोलते हैं वो करते हैं सर। चलिए ठीक है, उतने समय तो बताइए। दिन 10 मिनट के अंदर हम पूरा रिबोल करके लगाए। 10 मिनट के अंदर ही आपने CPU निकाल के लगा लिया? जिंदगी में कभी CPU हम निकाले भी नहीं थे, लगाना तो दूर की बात है, कि फोल्ड भी वाला कभी हम नहीं निकाले थे। आज फोल्ड वाला मतलब ऑन सेट से निकाले, रिबोल किए और लगा दिए विदिन 10 मिनट। डर लगा के नहीं लगाइए बताइए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, इतना कॉन्फिडेंट था, मतलब हाथ थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा था सर, मतलब जो ट्रिक बताया गया ना उससे लग ही नहीं रहा, मतलब हाथ को कैसे स्ट्रेट रखना वो भी बताया जा रहा था। मतलब हम ट्रिक नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन ट्रिक भी बताया गया कि हाथ को कैसे स्ट्रेट रखना है, रखना है, कैसे ट्यूजर को पकड़ना है। किसी का हाथ ऐसे भी थर रहा होता है ना, तो ऐसा ट्रिक बताया गया कि उसका हाथ भी ना थरे। ऐसा ये थोड़ा सा भी हाथ नहीं थरा है। तो बताइए आपका फ़ोन कंप्लीट चालू हो गया? बिल्कुल सर, पूरा लग रहा है आपको 4G फ़ोन पे जो CPU आपने काम किया, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर जो हमारे नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आइए, अगर आप काम भी करते हैं तो आपको अगर लगता है कि हम दुकान में काम करें और बहुत काम करते हैं तो आप कुछ नहीं काम करते हैं, यहाँ आइए प्रोफेशनल होके जाइए। अगर कोई काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल ढंग से करिए, और एशिया टेलीकॉम इज़ द बेस्ट प्लेस कि आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। अगर बात करें आपकी देव सर के साथ जो क्लास होती है तो बताइए कैसा रहता है सर? उनका सर क्लास तो एक नंबर है, उनका फंडामेंटल इतना सही है कि आपको कोई यूट्यूबर या कोई ITI या IIT वाला भी आपको इतना डिटेल में एक कंपोनेंट के बारे में नहीं समझा सकता जितना नॉलेज उनके अंदर है। बस कंपोनेंट की बात करेंगे या फिर बाकियों का भी? अभी आपका जो नज़रिया है बोर्ड को देखने का,
बोर्ड को देखने का नजरिया सर पूरा चेंज हो गया। कल से पहले तक का नजरिया क्या था? कल हम रात में जाकर के अपना डेड फोन को देख रहे थे, भाई ये पहले हम कैसे देखते थे और अब कैसे देखते हैं। अच्छा। कि कौन सा सीपीयू है, कौन सा पावर आईसी, कौन सा ईएमएमसी आईसी, कौन सा नेटवर्क, कौन सा वाईफाई, कौन सा आरएफ, सारा कुछ क्लियर, सारा चीज क्लियर हो गया। यानी आज आपका चौथे दिन के क्लास में आपका 4G फोन का लाइफ चालू, फोन का चालू, फोन का ये भी हालांकि 5 दिन में बोला गया था आपको, 5 दिन में बताया जाएगा, लेकिन चौथे दिन में ही मेरा पूरा क्लियर हो गया। और आप बात करें कि आपका जो बोर्ड को देखने का जो नजरिया है वो तो बिल्कुल मतलब बहुत तीसरे दिन में ही आपका बोर्ड देखने का नजरिया चेंज अलग ही लेवल का मतलब पता चल रहा है। मतलब अब कोई आपको बोर्ड दे दिया जाए, कोई भी सीपीयू हो, तो आप उसमें बता देंगे कि इसमें कौन सा आरएफ आईसी है, कौन सा वाईफाई आईसी है, कौन सा पावर आईसी है, कौन सा सब पावर आईसी है, सब कुछ। मतलब सिर्फ सीपीयू देख के या सिर्फ आरएफ आईसी देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा सीपीयू और कौन सा नंबर का लगा। मतलब आप आरएफ आईसी देख के आप बता देंगे कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, तो वो मतलब इम्पॉसिबल चीज होता है। ऐसा है क्या कि मतलब यूट्यूब पे सब चीज़ें? नहीं, ऐसा यूट्यूब में कहीं जिंदगी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई भी प्लेटफॉर्म में ऐसा नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, अगर हमारे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आइए, प्रोफेशनल बन के जाइए। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत काम सीख लिए या सिर्फ रिबोलिंग सीख गए और आईसी लगा लिए। अभी तीसरे दिन चौथे दिन में हम लोग इतना कुछ कर रहे, तो अभी और भी हमारे पास 25 दिन बाकी है। ऐसा दिन में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिन में ही आप लाइव 4G फोन का जो सीपीयू निकाल के लगाए और फोन को चालू भी किए, कैसा लग रहा है? पहले बार किया। ईमानदारी से बताइएगा कि कितनी बार में आपका सीपीयू बंद हुआ है? वन टाइम में ही हुआ। ऐसा पॉसिबल है क्या कि 4 दिन के अंदर कोई 4G फोन का जो सीपीयू निकाल के लगा ले? इधर पॉसिबल है। किधर पॉसिबल है? इधर एशिया टेलीकॉम। तेज बोलिए। एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। पॉसिबल है। कितने दिन में आपको बोला गया था कि आपको सीपीयू निकाल के लगा दिया जाएगा? 5वें दिन आपको बोला गया था कि 5वें दिन आपसे सबसे सीपीयू लगवा लेंगे, लेकिन आज आपका कौन सा दिन है? चौथा दिन है। हाँ। तो अभी चौथे दिन में आपका सीपीयू 4G फोन का डन हो गया, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा, आपने सोचा था कभी कि 4G फोन पे सीपीयू लगा पाएंगे? इनको हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है, समझने में इशू हो रहा है, समझ सकते हैं। तो अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरु। देखिए इनका भी स्माइल अलग ही है। कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ। पहले दिन में आपको क्या सिखाया गया? पहले दिन मेरी बॉलिंग की थी। पहले दिन में पावर आईसी रिवॉल्विंग बताई गई थी, दूसरे दिन में 4G फोन की सीपीयू बताई गई थी, और तीसरे दिन में आपको चालू लाइव पावर 4G फोन का पावर आईसी निकाल के आपको लगवाया गया था। वो भी पहली बार में निकाल दिया था। पहली बार में ही वो भी किया था आपने, और आप चौथा दिन सीपीयू किया आपने? सीपीयू भी पहली बार में। ऐसा पॉसिबल है कि 4 दिन के अंदर कोई 4G फोन का सीपीयू? पॉसिबल है, तो यहाँ पर ही है और कहीं पर नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे अगर आपके पास कोई नया स्टूडेंट आए तो? यहाँ पे एंडलेस काम होता है और पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है। पैसा वेस्ट नहीं जाएगा? जितना हम सोच कर आते हैं उससे ज़्यादा ही मिलता है यहाँ पे। क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? यहाँ पे एंडलेस काम होता है, बहुत बढ़िया है। और क्या बोलेंगे हमारे देव सर के लिए? देव सर तो भगवान है, उनको इतना नॉलेज है, हम कह नहीं सकते कितना नॉलेज है उनको। ऐसा जो नॉलेज देव सर देते हैं, एंडलेस नॉलेज देते हैं वो। जो नॉलेज देव सर देते हैं आपको, उसके बाद अवेलेबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, किसी के पास नहीं है, बस देव सर के पास ही है, उसे वही नॉलेज हम लेने हैं। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के टीचर्स के लिए जो आपको गाइडेंस देते हैं पूरा शुरू से लेकर लास्ट? अगर हम कुछ भी पूछते हैं तो हमारा हाथ पकड़ के बताते हैं, ऐसा नहीं है कि डांट के कह देते हैं कि बेटो और देखो कैसे हम करें, हम ही से करवाते हैं, आपसे ही करवाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बताइए, चलिए क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीन अख्तर। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं आप, तो बताइए आज आपकी कौन से दिन की क्लास है, कौन सा दिन चल रहा है? चौथे दिन की क्लास है। चौथा दिन का क्लास है, तो आज आपका किस चीज़ का क्लास था? सर आज 4G सीपीयू रिबोलिंग का था। 4G सीपीयू चालू बोर्ड से उठा के लगाना है। चालू फोन से आपको 4G फोन सीपीयू निकाल के लगाना था, तो आपने चालू किया? जी चालू किया, एक ही बार में कर दिया। रिवॉल्विंग भी एक बार में किया? तो बताइए अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? सर आने बोलेंगे, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट, आने बोलेंगे। ऐसा नहीं है पैसा वेस्ट हो जाएगा? नहीं 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 होगा सर। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो क्या यहाँ के टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा चीज़। ऐसा नहीं है कि डांट के हटा देते हो? नहीं, कोई डांट उठ नहीं पड़ता है, आराम से समझाता है प्यार से और सपोर्ट भी करता है पूरा। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? सर देव सर हम लोगों को जो दिया है बहुत कुछ दे दिया, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आए और आपके मतलब जैसे आप पे कोई भरोसा करके आए तो उनका पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं पैसा वेस्ट, उसका पैसा सर लगता है कि और भी अगर 10,000 लग जाएगा तो देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
चलिए ठीक है। और बात करें आज आपके चौथे दिन में जो आपने सीपीयू रिवॉल्व करके लगाया, आपने इसके पहले कभी आईसी पे काम किया था? नहीं सर, फर्स्ट टाइम किया है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम किया जी। कितने दिन से आप मोबाइल की फील्ड में हैं? सर एक साल से हैं। एक साल से, लेकिन आपने कभी आईसी पे काम नहीं किया? कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम। चार दिन में ही आप आईसी पे काम कर पा रहे हैं। लाइव 4G फोन का जो सीपीयू निकाल के लगाया, आपने पावर आईसी लगाया था निकाल जी? कल लगाया था। चालू किया था आपने? चालू किए थे। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। सर कौन से वाले फोन में किया था आपने? जी यही वाले फोन पे। इसी वाले फोन में जी। तो बताइए अभी आपको कैसा लग रहा है लाइव 4G फोन पे चालू? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कमल जी। जी सर। थोड़ा चेहरे पे स्माइल स्माइल दीजिए। आपने फोन चालू किया जी? कहाँ से हैं आप बताइए जरा? बिहार से। बिहार से हैं? तो बिहार से हैं आप, तो बताइए आज आपकी कौन से दिन की क्लास है? चौथे दिन की। चौथे दिन की क्लास है, तो चौथे दिन की क्लास में आज किस चीज़ का कंटेंट था आपका? लाइव मोबाइल में से 4G सीपीयू रिवॉल्व करके लगाया। लगाया आपने? लगाया। कितनी बार में ऑन हुआ है? रिवॉल्व 4 बार में लगाए एक ही बार में। रिवॉल्व आपने कितनी बार? 4 बार में किए। रिवॉल्व आपकी 4 बार में? कुछ दिक्कतें आ रही थी आपको रिवॉल्विंग करने में? दिक्कत आ रही थी तो 4 बार में क्लियर हो गया। सर लोग सपोर्ट करते गए, हम समझते हैं। कुछ गलतियां हो रही थी, उस गलतियों का सुधार हुआ जब आपका चौथा पांचवें बार में आपका सीपीयू रिवॉल्व हुआ। और लगाया आपने कितनी बार में? एक बार में, वन टाइम में। मतलब लगाने का प्रोसेस आपको सारी क्लियर थी, बस आपको दिक्कत थोड़ी सी रिवॉल्विंग में आ रही थी। अभी भी दिक्कत है क्या आपको रिवॉल्विंग में? नहीं, अब तो हो गया सर। अगर अभी आपको किसी, मतलब मान के चलिए कोई और इसकी जगह पे कोई और आपको 4G फोन दे तो उसको कर लेंगे? कर लेंगे। रिवॉल्विंग का प्रोसेस अलग तो नहीं है? इसका अलग हो, उसका अलग हो? नहीं है। कौन से वाले एक्सटेंशन में आपने इसको रिवॉल्व किया है? सेम था या यूनिवर्सल था? यूनिवर्सल। अगर आप यूनिवर्सल में बता सकते हैं आपको कि अगर आप किसी सीपीयू को यूनिवर्सल में आप रिवॉल्व कर लेते हैं तो सेम एक्सटेंशन में तो आप 1 मिनट लगेगा और 1 बार में आप रिवॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो ऐसा क्या 4 दिन के अंदर कोई 4G फोन का सीपीयू लगा लेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के टीचर्स के लिए? थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहेंगे। डांट वाट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? नहीं सर, जितना बार पूछते हैं उतना बार कॉपरेट करते हैं। आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? आए और यहाँ पे क्लास करके जाए ताकि उसका पैसा दूसरा जगह वेस्टेज ना जाए, यहाँ पे उसका पैसा निकल जाएगा काम करने के। वेस्ट तो नहीं जाएगा ना पैसा? नहीं जाएगा यहाँ। भरोसा कर सकते हैं आप पे? भरोसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? सर मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं, तो बताइए आज आपके चौथे दिन की क्लास जो है, आपने आज लाइव पावर, आपने लाइव पहले किया कि नहीं पावर 4G? 4G फोन का पावर आईसी लाइव किया कि नहीं किया? किया सर, 2 बार किया कल। 2 बार किया सर, यस। और आज आपका चौथे दिन के क्लास में आपको क्या निकालना था? क्लास में आज सीपीयू का था लाइव 4G सीपीयू, मतलब जो कि जियो के 4G का सेट था, ऑन सेट था, उसका निकाल के लगाना था। तो आपने किया? किया, मगर देखो मैं जो भी बताता हूँ सच बताऊंगा आपको, बिल्कुल मेरे से पहली बार नहीं हुआ। बिल्कुल हम लाइव है, बिल्कुल सच बताइए। सर ने मेरे को दूसरी बार खुद वहाँ पे बैठ के अच्छी तरह से पूरा प्रोसेस दोबारा फिर कंप्लीट बताया, फिर लगवाया, फिर भी नहीं हुआ। सर ने फिर भी तीसरी बार बताया, तीसरी बार बताने के बाद चौथी बार सर ने बोला कि आप जाइए अपनी सीट पे खुद करिए, और चौथी बार में मेरे से डन हो गया। और अपने आप किया सर अभी, बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया ये लगा कि जो भी सर ने उधर, मैं 2-3 बार गया, अपने हाथ से मेरे को बताया हर आइडिया, मेरे को उसमें ज़्यादा सीखने को मिला। अगर मैं पहली बार कर देता तो शायद इतना सीखने को नहीं मिलता जितना मेरे को दूसरी तीसरी बार सीखने को मिला। बिल्कुल सही बात है कि मतलब जितनी गलतियां करेंगे आपको उतना ही सीखने को मिलेगा। यस सर। तो बताइए अभी आप जो 4G फोन पे आप काम कर रहे हैं, आज पहली बार आपको किसी आईसी पे, किसी आईसी पे काम करते थे क्या पहले आप? मैंने कभी किसी आईसी पे काम नहीं किया, यहाँ पे मैंने पावर आईसी भी निकाला मगर चालू फोन से। हाँ चालू फोन से। और आज सीपीयू भी निकाला। सबसे बढ़िया मेरे को यही लगा कि मैं 4 बार, चौथी बार में मेरे को डन हुआ, मगर 3 बार मेरे साथ पूरा कॉम्प्रोमाइज सर ने भी पूरा किया, और हर बार जो ट्रिक पहले थोड़ी दिमाग में थी अभी पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गई भी क्या करना चाहिए। अच्छा, तो क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? सर अच्छा है कि आपके यहाँ पे जो आपसे 4G फोन का सीपीयू रिवॉल्व करके लगवा लिया और फोन भी चालू करवा लिया, क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम? सर अच्छा है, इनकी टीम जो एशिया टेलीकॉम की पढ़ाने वाले टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने 1 बार भी, आप 3 बार 4 बार 5 बार गलत करोगे तो करते रहिए, बताते रहेंगे, और जब तक आपसे डन नहीं होगा आपसे करवाते रहेंगे काम। इससे आपको और भी, जितना आप ज़्यादा बार गलत करोगे उतना समझो आप अच्छे परफेक्ट हो रहे हो। अगर पहली बार में कर दोगे क्या पता है पहली बार में सही हुआ नहीं हुआ, मगर अच्छी जितनी ज़्यादा बार में हुआ तो समझ लो परफेक्ट हो गया। सही बात है। अच्छा बात करें कि मतलब आज आप बताइए कितने नंबर पे हैं आप बोर्ड जो अपना नाम लिखे? 22nd। हाँ मतलब 22वें नंबर पे गया। सुबह 11 बजे क्लास शुरू हुई थी, मेरे 4 बजे डन हुआ, मगर 11 से 4 लगातार एक ही प्रोसेस में काम कर रहे थे। फोन आपने चालू किया? सर यस चालू किया। तो कैसा लग रहा है अभी फोन? अच्छा लग रहा है, पहले जब चालू नहीं था कॉन्फिडेंस यहाँ था, चालू होने के बाद इधर आ गया। अभी मतलब इसके जगह कोई और फोन दे दिया जाए तो? सर करेंगे, कर लेंगे।
पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में करेंगे, करेंगे जरूर, करेंगे जरूर, मतलब हार नहीं मानना है, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में जरूर करेंगे, करेंगे जरूर, करेंगे जरूर सर, हार नहीं मानना है। यस सर। चलिए ठीक है, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे, हरियाणा से अगर कोई आना चाहे? सर आना चाहे, आ जाए, जो काम कर रहे हैं वो भी आएंगे तो अच्छा है, वो भी और भी सीखेंगे, जो फ्रेशर है, मगर मेरी उनसे ये सलाह है कि अगर बिल्कुल फ्रेशर है तो मत आइए, पहले वहाँ पे एक साल कीजिए दुकान पे, 6 महीने 7 महीने लगाइए, फिर आइए यहाँ पे, यहाँ क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस काम के लिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपके साथ के जो हैं आपके फ्रेंड, उसमें कोई फ्रेशर है कि नहीं है? सर मेरे हम तीन स्टूडेंट हैं जो मेरे जैसे हैं, दो दो तीन तीन महीने का एक्सपीरियंस है, काम हमने 6-6 महीने पहले किसी दुकान पे किया हुआ, मगर ज़्यादा नहीं, मगर इसके अंदर वो आईसी लगाया कि नहीं लगाया? लगा रहे हैं सर, एक या दो रह गए, अभी उनसे भी सर करवा रहे हैं, वो डन करवा के ही क्लास खत्म होगी। अगर बात करें कि अभी आपकी जो क्लास है 8 बजे, मतलब आपकी क्लास छूटती है, तो ऐसा है क्या कि मतलब 8 बज गए और ठीक है चलो निकलो कल देखते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे को रिव्यू के लिए भी मैं अपनी तरफ से जो मेरे दिल में आ रहा है वो रिव्यू दे रहा हूँ, मेरे को ये भी नहीं बोला गया कि आपने ये बोलना है ये नहीं बोलना, जो आ रहा है वो बोल रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं कर रहा है। नहीं सर, आप बताना ये चाहते हैं कि सर ने कभी आपको फोर्स नहीं किया कि आप ये बोलिए हमारे लिए? यस सर। चलिए ठीक है, अगर मतलब आपको कोई आना चाहिए तो बिंदास आँख बंद करके आ सकता है? बिंदास आ सकता है। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं सर, पैसा अभी तो आज 4th दिन है, अभी तो 25 दिन और पड़े हुए, अभी और कितना ज्ञान मिलेगा मालूम नहीं, खुद मालूम नहीं कितना पड़ेगा। अभी आपका आईसी बात करें किसी स्मार्टफोन की, तो अभी आपको देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? यस सर बिल्कुल बदला, पीवीसी के अंदर पहले मैं पीवीसी पकड़ता था, ये नहीं मालूम था कि आईसी कौन सा है, कौन से कंपनी का है, क्या करना है उस पर, अभी पता चल गया कि पावर आईसी में कितने कौन सा सेक्शन पावर आईसी का है, कौन सा नेटवर्क का है, कौन सा सीपीयू, ये सब मालूम होगा अच्छी तरह। कोई भी बोर्ड, कोई मतलब एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड को आपको दे जाए तो क्या आप पता करके बता सकते हैं कि आरएफ कौन सा लगा होगा? यस सर बता सकते हैं, अभी रिवीजन भी होनी है, अगर थोड़ा बहुत डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हेलो गाइस, मैं बीजे मौर्य उत्तर प्रदेश से, और मैं ये जियो का किए आप? आज 4G है, 4G सीपीयू निकाले हैं, 4G फोन का आप सीपीयू निकाल के लगाए जियो 4G? तो बताइए विजय मौर्य जी, आप आज आपकी कौन से दिन की क्लास हुई? आज 4th दिन की क्लास है। थोड़ा ऊपर करके बात करिए, चेहरा दिखाइए व्यूअर्स को, शर्माइए नहीं। बताइए आज के 4th दिन के क्लास में बात करें तो पहले दिन में आपने रिवॉल्विंग किया था नॉर्मल पावर आईसी और EMMC रिवॉल्व किया था, दूसरे दिन में आपने 4G फोन का CPU रिवॉल्व किया था जी, ठीक है, और तीसरे दिन में चालू फोन का पावर आईसी निकाल के आपने लगाया था जी, चालू हुआ था फोन आपका बिल्कुल, और आज आपका देखा जाए तो आज 4th दिन की आपकी क्लास जो है ना, तो आज आपकी 4th दिन की क्लास ये थी कि लाइव चालू 4G फोन से आपको CPU निकाल के लगाना था जी, वो मैंने तो लगाया। लगाया आपने जी, बताइए जरा बोर्ड पे कि कितने नंबर पे आपका है? 4th नंबर पे, यानी आप काफ़ी जल्दी में आपने CPU निकाल के लगाया है ना जी, तो बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको CPU पे काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले कभी आपने IC पे काम किया था? नहीं सर बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया था? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम किया। यस सर। कल भी आप जो पावर लगाए थे कितने अटेम्प्ट में लगाए, मतलब कितनी बार में आप लगाए थे? दूसरी बार में लगा दिया था जी। और आज CPU कितनी बार में लगाया? 4th बार में ट्राई किया, मतलब सक्सेस हो गया। मतलब आप रिवॉल्विंग कितनी बार में किए हैं? रिवॉल्विंग 4 बार किया और 1 टाइम में लगाया, सक्सेस हो गया। मतलब क्या होता है कि जो रिवॉल्विंग होता है कि हमको बिल्कुल 100% श्योर होना पड़ता है कि हमारी बॉल अच्छे से सही बनी है कि छोटी बनी है, क्या है कि आप यूनिवर्सल में कर रहे हैं है ना जी सर, तो यूनिवर्सल में भी करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? थोड़ा बॉल का कंफर्म करना पड़ता है कि हमारा बॉल बड़ा छोटा तो नहीं हुआ है, बस ये मिस्टेक। तो आपने किया जी, जो देव सर के साथ आपकी थ्योरी की जो क्लास हो रही है वो तो बहुत परफेक्ट है सर। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? बहुत वेरी गुड सर। बैठ जाइए ठीक है। तो बताइए अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? हाय बिंदास है और टेक्नीशियन है, वो इंजीनियर बन के जाए यहाँ से। ऐसा? हैदराबाद से। हैदराबाद से। तो बताइए आज आपका 4th दिन की क्लास थी, तो आज आपने क्या किया? आज CPU किया, CPU का लाइव 4G फोन का CPU निकाल के लगाया आपने? हाँ सर। फोन चालू हुआ? हो गया सर। पावर आपने निकाल के लगाया था चालू फोन का? हाँ सर। कब लगाया था? कल सर। कल? हाँ सर। और आज आपका 4th दिन की क्लास में आपको लाइव पावर 4th दिन मतलब 4th दिन की क्लास में लाइव आपने पावर और CPU दोनों निकाल के लगाया? हाँ लगाया। फोन चालू किया? किया सर। कितने अटेम्प्ट में आपने CPU लगाया जरा बताइए? लगाया सर थर्ड बार हो गया सर। तीसरी बार में आपका फोन चालू हो गया? क्या दिक्कतें आ रही थी तीन बार में, आपको क्या गलती किया आपने उसको समझा आपने? रिबॉलिंग में गलती था, थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी आपको, तो फिर वो शॉर्ट आउट हुआ प्रॉब्लम? हाँ हो गया सर। अभी आगे वो दिक्कत आएगी क्या आपको? नहीं आगे नहीं आएगी। तो बताइए
अभी आप इसके पहले आई सी पे काम करते थे? नहीं करते थे सर। नहीं करते थे, तो कितने दिन से आप इस फील्ड में हैं? मैं 8 साल हो गए सर आके। 8 साल हो गए आपको इस फील्ड में आए और अभी तक आप आई सी पे काम नहीं करते थे? अभी भी नहीं। मतलब आप आई सी पे जो काम कर रहे हैं आज यहीं पे आके कर रहे हैं? हाँ, पहली बार है। तो मतलब 4 दिन में पॉसिबल है कि मतलब कोई बंदा आई सी पे काम ना करता हो और 4th दिन में लाइव 4G फोन का सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके लगा दें, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है सर, अभी एशियन टेलीकॉम में है सर। एशियन टेलीकॉम में पॉसिबल है। बात करें यहाँ के टीचर्स का, देव सर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा है सर, अभी देव सर उन्हें से बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी टीचर भी अच्छे सिखा रहे हैं, कुछ गलती रहने से भी अच्छा बता रहे हैं, समझा के बता रहे। अगर आप करते तो क्या टीचर समझाते हैं कि नहीं समझाते? बहुत समझाते सर, बहुत समझा। ऐसा नहीं है कि 2-3 बार किसी चीज़ को पूछते हो और सर डांट देते हो? कब तक कंप्लेंट नहीं होती, टीचर अपने साथ ही रहते सर। ऐसा? तो चलिए ठीक है। और बात करें अगर आपका देव सर के साथ जो थ्योरी होती है वो प्रैक्टिकल करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता है? करवाया जाता है सर, ये प्रैक्टिकल सर ऑन है और ये डीसी का रीडिंग है इनके, तो प्रैक्टिकल करवाया जाता है। हाँ सर। आपकी क्लास कितने बजे होती है बताइए? क्लास मॉर्निंग से सर, मॉर्निंग से होती है, 8 बजे से आपकी क्लास होती है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स आते हो 9 बजे और आपको बुलाया जाता हो 8 बजे? वैसा नहीं सर, हमारे से पहले टीचर आके रहते सर। आपसे पहले टीचर आके बैठे रहते हैं और आपको मतलब जो टाइमिंग दिया था टाइम से पहले टीचर अवेलेबल रहते हैं ना? क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई नया स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहे तो क्या बोलेंगे उनके? बिल्कुल सर, कोई भी आ सकते हैं, अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको, चिप लेवल का हार्डवेयर का इंटरेस्ट है तो आ सकते हैं, बिल्कुल 100% मेरे तरफ से। तो इधर ही आने का मैं, अगर कोई फ्रेशर हो तो क्या मतलब फ्रेशर यहाँ पे सीख के जा सकता है? बेसिक नॉलेज तो सीखना चाहिए सर। आपके साथ कोई फ्रेशर आया है? फ्रेशर नहीं सर, मैं अकेला आया हूँ सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे इसे टेलीकॉम के लिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी आपको नया प्लेटफॉर्म में जाना बोलने से, इसमें बोलने से अगले इसमें जाना बोलने से कंपलसरी इधर आना पड़ता है सर, नेक्स्ट लेवल में काम करना है आपको। 4 दिन के अंदर आपकी हैंड स्किल में कुछ इम्प्रूवमेंट आए? बहुत डेवलपमेंट हो गया सर, बहुत डेवलपमेंट, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अभी कुछ भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप इसी फोन में आप सीपीयू निकाल के लगा पाए? नहीं सर, 4G का सेट में कौन सा भी डाल देंगे सर, 4G सेट में तो कौन सा भी डाल देंगे, कोई सा भी फोन में आप डाल लेंगे? कौन सा भी सर, अगर आपको MI का दे दिया, ओप्पो का दे दिया, वीवो का दे दिया तो कर लेंगे सर, ईजी कर लेंगे। चलिए ठीक है, अभी आपका 4 दिन का ही क्लास हुआ है, अभी बाकी अभी काफी दिनों की क्लास आपकी बची हुई है। आप क्या सोचते हैं कि आगे आपको क्या मिलने वाला है? एक्साइटमेंट नहीं हो सर, थोड़ा हमेशा भी क्या बोलते उसको, बहुत कुछ सीख के जाने का है अभी तो, बहुत अभी पहले को अभी को नहीं, बहुत फर्क आया सर अभी। चलिए ठीक है, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उसको सर? अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? 100% आना सर यहाँ पे, 100% आना चाहे, इसलिए बोलना चाहे अभी मैं रिकमेंड करूँगा सर। ऐसा नहीं उसका पैसा वेस्ट हो जाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। गुजरात से तो बताइए, गुजरात में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट है, तो आप गुजरात इंस्टीट्यूट ना चुन के आप फिर जबलपुर में एशिया टेलीकॉम ही क्यों? सर इसके रिव्यू देखे और सब बच्चे सही बोलते हैं, मैंने इसके रिव्यू देखे ही आया हूँ और यहाँ पर आके सीख गया हूँ बहुत बढ़िया से, रिबोलिंग और ये सब अभी तो 4 दिन में बहुत सीख गए, अभी तो बहुत बाकी है। अच्छा, ये जो आप जो रिव्यू देख के आए तो क्या मतलब आज वही रिव्यू आप खुद दे रहे हैं, क्या वो रिव्यू गलत था? नहीं सर, 100% यार कोई झूठ है क्या? मतलब बगल वाले से फोन लेके दिखवा लेते हैं फोन, अगर मान लीजिए ये फोन ना चालू किए हो तो आपका फोन दिलवा के दिखाते हैं क्या इनको? नहीं सर, जिनका फोन रहता है अगर वो काम किया रहता है तो उसको दिखाते हैं या फिर फेक दिखाते हैं? नहीं सर, जो काम किया है वही। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है अभी आपको 4G फोन पे काम करके? बहुत अच्छा, बढ़िया है, एक नंबर से अच्छा लग रहा है। हाँ सर, क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई गुजरात से आना चाहे तो? बिल्कुल आए सर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हालांकि गुजरात में भी इंस्टीट्यूट है। हाँ सर, पर वहाँ पे नहीं मुझे, मैं एक दो जाके आया हूँ। 4 दिन में पॉसिबल है क्या कोई? अच्छा, आप जाके भी आए हैं किसी इंस्टीट्यूट से? हाँ, नाम नहीं लेंगे हम तो, क्या बोलना चाहेंगे अगर गुजरात में कोई आना चाहे? बिल्कुल आए सर और सीख गए, एक नंबर जाएगा, ऐसा नहीं कोई उसका पैसा वेस्ट चला जाए? नहीं नहीं, 1 रुपया वेस्ट नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा सीखने मिलेगा सर। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे सर? एक्साइटेड है, अगर आपके पास कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? आए सर, पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं सर। 4 दिन में बताइए कहीं पॉसिबल है क्या कि कोई सीपीयू निकलवा के लाइव 4G सर? इससे पहले तो हमने कभी किया ही नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। क्या नाम है आपका? संदीप सर। संदीप जी कहाँ से हैं आप? सूरत, गुजरात। बताइए, 4 दिन की आपकी क्लास हुई तो 4 दिन में आपने क्या सीखा? 4 दिन में आपने किया क्या? पहले दिन आपने क्या किया? पहले दिन आपने कौन सी IC रिवॉल्व की थी? पावर EMMC आपने रिवॉल्व किया था। दूसरे दिन आपने 4G फोन का CPU रिवॉल्व किया था और तीसरे दिन में आपने लाइव पावर IC लगाई 4G फोन का पावर IC। आज हमने 4G लाइव CPU रिवॉल्व करके, अरे
निकाल के उसको वापस रिबूल करके लगाया। फोन चालू हुआ आपका? हाँ हो गया। तो बताइए, चार दिन के अंदर आपने जो लाइव 4G फोन का CPU निकाल के लगाया, ये पॉसिबल है क्या कहीं? मतलब चार दिन के अंदर कोई 4G फोन का CPU निकाल के लगा ले? पॉसिबल और नहीं पॉसिबल की तो बात बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने पहली बार फोन पकड़ा है और चार दिन में मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाता, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट ने मोबाइल रिपेयरिंग वाले देखे कि जिसको फ़ोन देने के बाद पाँच दस दिन रखते अपने पास, लेकिन रिपेयर नहीं कर पाते। तो मैंने खुद ने मेरे हाथ से एक चालू फ़ोन का CPU निकाल कर उसको डाला तो पता चला कि हो पाता है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर हो पाए मेरे ख्याल से, दूसरी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर ये कर पाए। तो ये बताइए, चार दिन में आपने पावर भी आपने 4G फ़ोन का निकाल के लगाया और फ़ोन को चालू किया और आज लाइव 4G फ़ोन का CPU भी निकाल के लगाया आपने और फ़ोन को चालू किया, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बस सर, यहाँ से जितना भी और मोबाइल के बारे में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जाने के बाद कोई चीज़ मोबाइल में ऐसी चीज़ रहेगी कि किससे बनती है, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं, उसकी नॉलेज हमें कहीं पर लेने जाने की ज़रूरत पड़ेगी? ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है। हालांकि देखिए, अभी आपके पहले के काम में और आज के काम में कुछ डिफरेंस आप बताइए अपने बारे में। डिफरेंस सर, पहले दिन में हमने IC रिकॉल की थी तो काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, तो जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और ये तो प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे जाकर आपका काम स्पीड में होगा। अभी तो आपको जो मेथड सिखाए जा रहे हो हम सीख रहे हैं। आपको जो ट्रिक्स बताई जा रही है वो ट्रिक्स बेस पे कैसा लग रहा है, मतलब ज़्यादा हैवी है या नहीं? बेबी स्टेप मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पहले चार दिन के अंदर पहले दिन ही आकर IC डायरेक्ट IC रिबोल करने को दे और दो घंटे बाद क्लास के बाद रेक का स्टूडेंट का रिव्यू लिया जाए तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई कि सबने भाई IC रिबोल की है, ओम से हमने किया है, तो हमें विश्वास है जिसको नहीं है वो खुद यहाँ पर आकर चेक कर ले कि क्या है क्या नहीं है और क्या। मतलब बताइए आप कि सारे बच्चों ने यहाँ पे CPU MMC रिबोल किया है? सारे कोई बात चालू फोन का CPU नहीं लगाया सारे लोगों ने? यस, चालू फोन का ही लगाते हैं और सर जब तब तक जाने ही नहीं देते तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपको नहीं लगाना है लगाना है, आपको लगा कर ही जाना है तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपका जितनी भी देर लगे और जितना टाइम हो, तो रात को सर 11 बजे तक हमारे साथ रहते हो और 11 बजे के बाद भी हमारे साथ ऑनलाइन रहते हैं। मतलब बात करें तो जब तक आपका काम जो आज का कंटेन है जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाने है ना, तो आपको करना वो कंपलसरी है। तो बात करें अब देव सर की, तो देव सर के साथ जो आपका थ्योरी का जो क्लास चल रहा है तो बताइए कैसा लग रहा है अभी आपके साथ? सर उसके चार क्लास से हमारा पैसा वसूल है। अच्छा, मतलब नॉलेज कोई नहीं दे सकता वसूल है? आज तक मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे कंप्यूटर के कोर्स किए, लेकिन इतने लेवल की नॉलेज जो मोबाइल में मैंने सुनी है उतने मेरे कंप्यूटर के बारे में मैंने मुझे किसी ने नहीं दी। सेम टू सेम सिचुएशन में मोबाइल में कोई नहीं दे सकता, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, अगर आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आइए और सीखिए यहाँ पर, और इसके बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग का अगर बिजनेस शुरू करना है तो मोबाइल रिपेयरिंग सबसे पहले सीखना जरूरी है और ऐसी जगह आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, उसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया से भी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया से भी लोग पढ़ने आते हैं, वो यहाँ पर आए हैं। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपके कहने पे आए और उसका पैसा वेस्ट हो जाए? नहीं सर, उसको लाइव डेमो दिखा देते हैं, हमारा फ़ोन लाइव आज ही स्टार्ट किया है जो मैंने 4G पहली बार, तो उसको दिखा देते हैं। अपना फोन चालू जो किया आपने, जरा दिखाइए। देख सकते हैं इनका फोन ऑन हो गया है। तो बताइए यहाँ पे जो भी काम है वो लाइव है कि नहीं है? ये लाइव है। अपन जो दिखाते हैं वीडियो में वो क्या सच है गलत है? जो आप रिव्यू देख रहे हैं, आप भी दे रहे हैं और आप भी किसी रिव्यू देखे ही होंगे जब भी आप यहाँ पे आए, तो जो रिव्यू आप देख के आए थे वही रिव्यू आज खुद दे रहे हैं, तो क्या उस रिव्यू में और आपके रिव्यू में कुछ नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं है। जिसको विश्वास नहीं है सर वो यहाँ पर एक दिन आकर चेक कर लेगी भाई यहाँ पर ऐसा कुछ चलता है कि नहीं चलता है, उसके बाद ज्वाइन करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
हर कोई अपना अपना फ़ोन लेके आया है सर, जो भी डेट सेट भी है सर वो भी ओके किया। आज मेरा तो एक डेट हो गया सर हमसे, मगर फिर भी सर एक बना के दिए, उसके बाद फिर से उसको खुद से निकाले, उसको रिवॉल्व किए फिर डाले। तो चालू हो गया जी सर? चलिए, मतलब आपका फ़ोन जो बंद हो गया था फिर से दोबारा चालू हो गया, और फिर आपने उसको निकाला आईसी को, फिर लगाया? फिर लगाया सर। फिर चालू हुआ फोन आपका? जी चालू हुआ। बताइए बोर्ड पे आपको कितने नंबर पे आपका नाम है, कि मतलब आपने कब किया? सर मैं तो 11 बजे आया सर, उसके बाद नहीं आपका नंबर बताइए कि आप कितने नंबर पे है आपका नाम? 24 नंबर पे। 24 नंबर, मतलब आप काफ़ी लेट से किए हैं। लेट से किए हैं, एक डेट हो गया। आपको कुछ गलतियां हो रही थी क्या? जी सर गलतियां हो रही थी, मैंने प्रिंट उखाड़ दिया था सर। अच्छा ठीक है, तो उस गलती का सुधार बताया गया? जी हाँ सुधार बताया गया, सर ने बताया अच्छी तरह से। सर कभी रिवॉल्विंग किए नहीं थे, कभी आईसी को निकाले नहीं थे, इसी चक्कर में मतलब प्रॉब्लम हो गया। और बात करें कि आपका जो चोरी सेक्शन चल रहा है हमारे देव सर के साथ, तो क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? सर भी बढ़िया है, पढ़ाते हैं, बढ़िया कॉम्प्लेंस देते हैं। अच्छा देव सर जो आपको पढ़ाते हैं थ्योरी, क्या वो यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या? जी नहीं, यूट्यूब पे नहीं है सर। जो चीज़ देव सर बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसी सारी चीज़ें कुछ भी है उसमें से, ऐसा तो नहीं है कि देव सर यूट्यूब से देख के आपको बताते हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला सर, सर तो सिर्फ ऑटोमेटिक अपना दिमाग से सारा चीज़ें सारा बता रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप वहाँ कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहें? आ सकते हैं सर वहाँ। एक शब्द में बताइए एशिया टेलीकॉम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एशिया टेलीकॉम सर यहाँ पे आए, आराम से सीखे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रियल लाइफ है वही दिखा रहा है सर। जो रिव्यू आप दे रहे हैं सच दे रहे हैं ना? सच दे रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। यूपी। यूपी से किस जगह से? यूपी में? यूपी से सर आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं? चलिए बहुत बढ़िया। आजमगढ़ तो भैया हिंदू वाला शहर है। तो बताइए क्या किया आज आपने? आज सर CPU IC4G रिवॉल्व कर निकाल के फिर से रिवॉल्व करके चालू किया आपने फोन? जी सर। कितने टाइम में किया आपने? एक घंटे के अंदर। एक घंटे के अंदर किया, और कितनी बार में? आपसे कुछ गलतियां हुई कि नहीं हुई? थोड़ी सी सर गलती हुई है, निकालने में प्रॉब्लम थोड़ा हो रही थी रिवॉल्व करने में, लेकिन वो हो गई नॉर्मली। बात करें कि निकालने के लिए बाकी हीट, एयर, कितना एयर रखना है, कितने देर मारना है, कहाँ मारना है, कम मारना है? जी सर ये सब सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई है, एकदम जानकारी सबकी एकदम डिटेल में दिया गया? जी सर। आपको कॉपी पे लिखवाया गया सब? देव सर सब एकदम थ्योरी एकदम ओके A to Z। उसके अंदर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो 4 दिन के अंदर? नहीं सर, 4 दिन के अंदर ऐसा कोई भी चालू कर रहा थे कोई भी नहीं करा सकता अभी तक कोई इंस्टीट्यूट का ऐसा नाम सुना है? ऐसा कुछ नहीं। दे रिव्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सर एकदम दिल से एकदम दिल से रिव्यू दे रहे हैं सर। अगर आपको देख के अगर कोई आना चाहे तो क्या आपकी बातों पे वो भरोसा कर सकता है? जी सर एकदम भरोसा करके आ सकता है बिना बेडर के, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। जितना यूट्यूब पे है उससे लाख गुना ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है, हर एक चीज़ थ्योरी प्रैक्टिकल सब। चलिए ठीक है, और बात करें आपकी क्लास की टाइमिंग से, तो ऐसा तो नहीं है कि सर आपको 8 बजे बुलाते हैं और? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, 8 बजे पहले ही आ जाना, उसके बाद 9-10 बजे तक जब तक क्लियर ना हो पूरा काम कराया जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपको कोई देख के आया तो मतलब आ सकता है? जी सर एकदम आँख बंद करके भरोसा करके आ सकता है। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का बिहेवियर कैसा है? सर टीचर का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बात करने का, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या काम में या जैसे भी वो सब तुरंत बताते हैं। डांट पड़ती है कि नहीं टीचर? नहीं सर डांट नहीं पड़ती, कुछ डांट नहीं पड़ती है, नहीं एकदम मौज मस्ती के साथ सब काम। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कंधे पे हाथ रख के सर आप चाय पिलाने ले जाते हो तब आप भी दे रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं सर। चलिए सर राजी, थैंक यू सो मच। किया सर मैं लाइव पावर आईसी किया, CPU किया। जब CPU किया तो एक अंदर आए मतलब? सर हाँ सर एकदम बढ़िया है, इन्हें CPU करवा दिया, ये तो है मतलब? हाँ सर। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लेकर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव CPU और पावर आई, पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डेक जी सर। हाँ सर डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल। अच्छा, है। लाइव क्या किया आपने? या सर लाइव मैंने CPU लगाया, पावर आई सी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर। कि बोर्नियो ने आधा दूरा ज्ञान दिया? हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। वो भी बताया था कि नहीं बताया था? आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने PCB पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गए आप? सर डबल डेकर किया था। डबल डेकर मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है,
तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव क्या? सीपीयू भी लगा, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर। एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया। ड्यूल टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा। सर आपने तो तीन टाइम किया ना उसको निकाल के? हां हां, मेरे ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। क्या दिखाया आपने? क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर पर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किया। ईएमसी है, ईएमसी लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगाया। टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर की। तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से किया। जी सर, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। की सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डबल टेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर सीपीयू। डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की? ये आपने की है? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर? या आपने खुद किया? खुद? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप? उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you.